84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। यह 84 कोस की जो परिक्रमा है वह ऐतिहासिक और प्राचीन मानी जाती है। यह 84 कोस की जो परिक्रमा है यह 5 जिलों से होकर के गुजरती है और यह परिक्रमा 25 दिन तक लगातार चलती है। और इस परिक्रमा में जो है वह साधु संत परिक्रमा को करते हैं। हालांकि इस बार साधु संतों ने आम जनमानस से भी अपील की है कि जो 84 कोस की परिक्रमा है इस परिक्रमा को आम जनमानस भी करें। जो 5 कोस और 14 कोस की परिक्रमा होती है वह साधु संतों के साथ साथ आम जनमानस भी करता है। तो जिसको लेकर के साधु संतों ने कहा है कि आम जनमानस जो है जो 84 कोस की परिक्रमा है इस परिक्रमा को करें। यह परिक्रमा 25 दिन तक चलेगी और 5 जिलों से होकर के गुजरेगी। इस बार के परिक्रमा को लेकर के जो है साधु संतों में इस उत्साह है क्योंकि साधु संतों ने सरकार से अपील की थी कि जो 84 कोस परिक्रमा मार्ग है उस मार्ग को सही ढंग से बनवाया जाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है, जिसको लेकर के अब कोई भी समस्या नहीं होगी। जो उबड़ खाबड़ रोड थे उनको सुरक्षित ढंग से बना दिया गया है। और साधु संतों ने ये भी कहा है कि इस वर्ष तो थोड़ी सी समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा और पिछले वर्ष जो है वह जो मार्ग है वह सुरक्षित ढंग से बना दिए जाएंगे, जिसको लेकर के कभी भी कहीं भी जो परिक्रमा करते हैं उनको मतलब किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह जो 84 कोस की परिक्रमा है यह ऐतिहासिक और प्राचीन मानी जाती है। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, ABP गंगा, अयोध्या। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।